लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शंकर, मंजीत साहब ने हमें घर में बुलाकर इस तरह कैद क्यों कर दिया? धोखे से बुला के हमें बंदी बना दिया। अरे बंदी बनाए तो क्या हुआ, चिकन बिरयानी नहीं खिला? टीवी पे लेटेस्ट इंग्लिश पिक्चर नहीं दिखा? अरे चिकन बिरयानी की छोड़ो, मेरे बीवी बच्चों की सोचो, हमारे घर वाले कितने परेशान हो गए। शांति शांति रखो, शांति रखो। देखो हमारे खुराना साहब की पॉलिसी है, अरे पॉलिटिक्स में तो चलता ही है, धमकी देना, किडनैप करना। अभी गए गवर्नर साहब के पास खुद को झटका लगाने के लिए, आने के बाद आप सबको झटका लगाएंगे 460 वर्ड्स। अरे पॉलिटिक्स में तो चलता ही है, झटके पे झटका। आओ मेरे पीछे। नमस्कार, बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। अब होने वाले पार्टी के मीटिंग में मैं अपनी ताकत का, अपनी पोजीशन का सबूत देना चाहता हूं, इसलिए आप सब लोग मेरी पोजीशन को स्ट्रांग बनाने के लिए मेरा साथ दो, ताकि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। लेकिन उन्हें सपोर्ट देने के लिए बहुत ज्यादा एमएलए हैं, हम 40 उन्हें कैसे नीचे गिरा सकते हैं? अगर उन्हें नीचे गिराना है तो 80 एमएलए और चाहिए, और हम लोग सिर्फ 40 है, और 40 कहाँ से लाएंगे? जैसे आप आए वैसे वो भी आ जाएंगे, हम उनको बिरयानी खिलाएंगे, वीडियो दिखाएंगे, फिर वो भी हमारे हो जाएंगे। तो क्या? मैंने क्या, मैंने तो आइडिया दिया। मगर ऐसा करने से कोई गड़बड़ हुई तो? अरे तुमको उठा कर लाया तो कुछ गड़बड़ हुई क्या? अरे बाकी के एमएलए के हम बच्चे उठाएंगे, बीवियां उठाएंगे, लेकिन हमारे मालिक की कुर्सी फिक्स करेंगे। तो क्या? मैंने क्या किया, मैंने तो आइडिया दिया। इधर बैठ, तो देखो कोई भी समस्या आई तो मैं उसे सुलझा दूंगा, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन के लिए कोई भी एक्शन ले सकता हूं। तो क्या जी? जरा वो माल से भरे हुए बैग इन लोगों को दिखा दो। अभी दिखाता हूं, जल्दी खुल जा सिम सिम टड़न टड़े। ये तो सिर्फ एडवांस है, अब बताओ आप लोग मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने में सपोर्ट करेंगे या नहीं? हाँ, जरूर सपोर्ट करेंगे। शाबाश शाबाश। हेलो, तू क्या स्पीकिंग? मालिक मालिक, एक मिनट, ओ फोन आया था, अब जरा बाजू में आना, बाजू में बाजू में। मालिक मालिक, वो डीएसपी ज्योति है ना, वो कल शंकर को कोर्ट में हाजिर करने वाली है। कल ना? है ना, अभी तो पूरी रात बाकी है, 12 घंटे। इन 12 घंटों में हाजिर को गैर हाजिर करना हमारे बाएं हाथ का खेल है। शंकर सो रहा है, जाओ उसे हमेशा के लिए सुला दो। और सुनो, अगर 2 मिनट में उस हरामजादे को खत्म नहीं किया तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। मेरे प्रमोशन का सवाल है, जाओ जाओ। क्यों मारा मुझे? ए भाई, मेरी जिंदगी का एक उसूल है, मैं किसी को जान से नहीं मारता, लेकिन मार मार कर ऐसा अधमरा कर देता हूं कि जिंदगी से तंग आकर खुद चिता पे लेट जाता है। आगे तुम लोगों की मर्जी। Yeah!
भी जाऊंगा। आराम सादे, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, मार साले को। पुलिस स्टेशन को शराब का अड्डा बना रखा है। जिस गुनाहों की जंजीर से तुम लोगों ने कानून को कैद कर रखा है, आज उसी जंजीर को मैं तेरी मौत का फंदा बना दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो फिर बता, कौन मारना चाहता है शंकर को? किसके कहने पर उन गुंडों को लॉकअप में भेजा, बोल। मैडम, अगर बता दिया तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं बताया तो मैं तुझे मार डालूंगी। बताता हूँ, बताता हूँ, मंजित खुराना और DIG। मंजित खुराना। IG होने के नाते मेरे पास इतने पावर्स हैं कि मैं तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर्स कैंसिल कर सकता हूं, लेकिन हायर अथॉरिटीज इस पर ऑब्जेक्शन ले सकती हैं। सर, आप जिस हायर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं वही असली मुजरिम है सर, वही सब इंस्पेक्टर की मौत का कारण है, और वो ये चाहता है कि शंकर कोर्ट तक ना पहुंच सके। सर, उसके हर जुर्म के सबूत मेरे पास हैं, इसलिए मैं अपने सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवाना चाहती हूँ, और मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ और वो मुजरिम है। ज्योति, जोश में इंसान सिर्फ अपने होश खो सकता है, कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बता सकता हूं। तुम डायरेक्ट कोर्ट जाओ और वहां से अपने सस्पेंशन ऑर्डर्स पर स्टे ले लो, सस्पेंशन ऑर्डर्स रुकवा दो। थैंक यू सर। डोंट वरी मिस ज्योति, लंच के बाद जैसे जज साहब आएंगे मैं आपको स्टे ऑर्डर दिला दूंगा। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। थैंक यू। हेलो, आनंद शर्मा स्पीकिंग। जज साहब, खुराना साहब चाहते हैं कि आज कोर्ट में आप DSP ज्योति का केस अटेंड न करें। आई एम सॉरी मिस ज्योति, आज जज साहब को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा, अब मैं आपको स्टे ऑर्डर मंडे को ही दिला पाऊंगा। कौन हो तुम? शंकर, शर्म आती है मुझे तुम जैसे न्याय के ठेकेदार पर। तुमने मेरे घर में आने की जरूरत कैसे की? जरूरत तो मैं सारे मोहल्ले को इकट्ठा करने की करूंगा, जरूरत तो मैं सारे शहर को इकट्ठा करने की करूंगा, जरूरत तो मैं तुम्हारी पत्नी को बदलाने की भी करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं। मुझे रुपए नहीं, दस्तखत चाहिए। स्टे ऑर्डर पर। स्टे ऑर्डर? जी हां, ज्योति के सस्पेंशन ऑर्डर को रद्द करने वाला स्टे ऑर्डर, ताकि DSP ज्योति फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सके। ये
कल मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा और मेरा बरसों का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन तुम लोग याद रखो, कल कोई गड़बड़ ना हो जाए और कल का शपथ समारोह ऐसा हो जो आज तक किसी मुख्यमंत्री का ना हुआ हो। सब इंतजाम ठीक है ना? यस सर। यस डीएम साहब हैं? जी अंदर हैं, आप बैठिए। थैंक यू। Request Mr. Manjeet Khurana to come to the dais and take the oath of the office as the Chief Minister of the state. DSP Jyoti, इस अरेस्ट वारंट पे तुम्हें मिनिस्टर खुराना को शपथ लेने से पहले गिरफ्तार करना होगा। अगर उसने चीफ मिनिस्टर बनने की शपथ ले ली तो ये अरेस्ट वारंट बेकार हो जाएगा। Right sir. As per the Constitution of the India, I, Manjeet Khurana. Promise to discharge. DSP, ये क्या हो रहा है? मैं तुम्हारा अरेस्ट वारंट लेकर आई हूँ। तुम्हें सब इंस्पेक्टर शर्मा का खून करने के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। शट अप! कौन कहता है मैं खूनी हूँ? ये अरेस्ट वारंट कहता है, कानून कहता है, मैं कहती हूँ। अब तुम्हें कोई अधिकार नहीं है क्योंकि तुम सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हो। तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर पर मैंने स्टे ऑर्डर ले लिया है और अब मैं पूरी कानूनी पावर के साथ इसे अरेस्ट करने आई हूँ। इस स्टेट के होने वाले चीफ मिनिस्टर से टकराने की भूल मत करो। क्या तुम चीफ मिनिस्टर के पावर को नहीं जानती? जिस नेता ने चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके कई जुर्म किए, बलात्कार किए, मासूम इंसानों के खून किए, ऐसा गुनहगार, ऐसा मुजरिम अगर आज चीफ मिनिस्टर बन गया तो हमारे स्टेट का क्या होगा? वाह! एक पुलिस ऑफिसर हमारे सामने भाषण देकर हमें ही गालियां दे रही है। मुझे गिरफ्तार करोगी? मुझे? जानती हो इसका अंजाम क्या होगा? पहले तुम अपने अंजाम की सोचो। भोली भाली जनता के साथ विश्वासघात किया है तुमने। आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा जनता को दिखाकर तुम्हें बेनकाब कर दिया है। जुबान संभालो अपनी, मेरे चाहने वाले तुझ पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। तुम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। बहुत पछताओगी, बहुत।
यू डोंट नो माई पोजिशन। तुम्हारी पोजीशन की बहुत धमकियां सुन चुकी हूं मैं, अब मैं तुम्हें बतलाऊंगी कि तुम्हारी असली पोजीशन क्या है। अरे जी क्या बक रही है ये? सॉरी सर, ये कानून का हुक्मनामा है, इसे मानना हम सबका फर्ज है। मालिक, डीएसपी ज्योति के स्टे ऑर्डर पर जज साहब से शंकर ने जबरदस्ती साइन ली, मां कसम। डीएसपी साहिबा, ये तो बताइए कि आप अपने सस्पेंशन पर स्टे ऑर्डर कहां से लाई? जज साहब बताइए इन्हें कि शंकर ने किस जबरदस्ती से स्टे ऑर्डर पर आपके साइन लिए, बताइए। हां साहब, मुझे पिस्तौल दिखाकर स्टे ऑर्डर पर जबरदस्ती शंकर ने साइन करवाए। तेरे कानूनी हाथ कट चुके हैं, फिर भी तूने कानूनी पावर का इस्तेमाल किया। सारी जनता के सामने मेरी शपथ रुकवाकर होने वाले मुख्यमंत्री का अपमान किया है तूने, मेरी इज्जत उतारी। आज मैं भी तेरी इज्जत उतारूंगा। डीआईजी, यस सर। देखता क्या है, उतार दे इसके फीते, इसके वर्दी सारी जनता के सामने, जल्दी। Thank you.
तेरे सारे काले कारनामों की सजा दूंगा। जनता को बदला दूंगा कि तुझ जैसे गंदे नेताओं का हश्र क्या होता है, उसका अंत क्या होता है, ताकि तुझ जैसा कोई गंदा आदमी नेता बनने की जुर्रत ना करे, फिर कोई गांव सोनापुर जैसा बर्बाद ना हो जाए। यही जनता की अदालत है, जनता की आवाज है, जनता का फैसला है।